अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल और हेल्दी रेसिपी है। इसका नाम कट है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 1 किलो हॉर्स ग्राम है, इसको कुल्थी कहा जाता है। हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और प्रेशर कुकर कर लेंगे। 6 to 7 विजल्स देंगे इसके लिए। 2 लीटर पानी डालें और इसका एक्स्ट्रैक्ट निकाल लें। ये इसका एक्स्ट्रैक्ट वाटर है। अब हम इसको रेड्यूस कर लेंगे। ये बहुत थिन ग्रेवी है, इसको हम रेड्यूस करके थिक ग्रेवी बनाएंगे। इसको हमने रेड्यूस करने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बड़ा लहसुन का पॉट, हैंडफुल कोरिएंडर लीव्स, 1 बड़ी प्याज और दालचीनी। हम इन सब का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ऐड कर लेंगे। हाफ के जी खट्टा टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेंगे। 1 कप फ्रेश कोकोनट पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको धीमी आंच पर पका लें। ग्रेवी को 20 से 25 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ग्रेवी में कोफ्ता और बॉइल्ड एग्स ऐड करते हैं। इसके लिए हम कोफ्ता प्रिपेयर कर लेंगे। 3 ग्रीन चिलीज, लहसुन, 1/2 प्याज, 1/2 कप रोस्टेड चना, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 दालचीनी, 4 लौंग। इसको हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसका ग्राइंड किया हुआ पेस्ट तैयार है। 1/2 किलो मटन का खीमा है, 1 कप चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ग्रेवी थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें कुफ्ते ऐड कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी। फ्लेम को बहुत सिम कर लें और कुफ्ता ऐड कर लें स्लोली। इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। जब कोफ्ता सुपर फ्लोट होने लग जाए, अब हम इसमें बॉइल्ड एग्स भी ऐड कर लेंगे। वन फोर्थ कप इमली का पानी, 1/4 को थोड़ा और थिक कर लेंगे। 1/4 थिक हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। 1/2 कप घी, 1/2 टीस्पून सरसों, 1/2 कप क्रश्ड गार्लिक, 1 चॉप किया हुआ ऑनियन,